खबर छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कुल्हाड़ गांव और बेलभाटा टेकरी का है, जहां जंगल में नरकंकाल मिला है। आपको बता दें कि गांव के कुछ ग्रामीण जिन्होंने नरकंकाल देखा, वह सुबह जंगल में फुटू मशरूम निकालने गए थे। वहीं पेड़ पर एक गमछा भी लटका हुआ था, जिसकी जानकारी सरपंच और ग्रामीणों ने फरसगांव थाने में दी। ग्रामीणों और परिजनों के द्वारा नरकंकाल के साथ मिले कपड़े और लुंगी से मृतक की पहचान भंडार सिवनी निवासी बालसु मरकाम पिता धन सिंह के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि बालसु मरकाम 4 जुलाई को बिना बताए घर से कहीं निकल गया था, जिसकी खोजबीन करने के बाद नहीं मिलने पर फरसगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया गया था। फरसगांव पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची और नरकंकाल को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस ने नरकंकाल को एकत्रित कर पोस्टमार्टम हेतु जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। भंडार सिंह सरपंच के द्वारा बताया गया कि बेलभाटा टेकरी के पास जंगल में एक नरकंकाल मिला है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और तफ्तीश पर पता चला कि उसके कपड़े हुए बहनों को गाँव वालों को दिखाया गया, जो बताया कि ये भंडार सिंह निवासी बालसु मरकाम है, जिसका एक महीने पहले थाना फरसगांव में गुम इंसान दर्ज किया गया था, जिसकी पतासाजी की रही थी। फिलहाल नरकंकाल को पोस्टमार्टम के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है और पुलिस अभी मृत्यु के कारण की जांच कर रही है।